दिव्य शंखनाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए देखते हैं नाथद्वारा में लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन के क्या हाल चाल रहे। देखिए हमारे प्रतिनिधि कमलेश पालीवाल की एक रिपोर्ट। नगर का चौपाटी बाजार सामान्य दिनों से कुछ अधिक आवाजाही, जिन्हें सरकार ने स्वीकृति दी है वे दुकानें खुली हुई हैं। लॉकडाउन जारी है, घर से निकलने पर प्रतिबंध है, लेकिन आवश्यक कार्यों के लिए निकल सकते हैं। स्टेशनरी आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। रोजाना की तरह मेडिकल स्टोर खुले हुए ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें तो अच्छा है। दिल्ली बाजार में भी कुछ दुकानें खुल गई हैं। लोग सावधानी तो रख रहे हैं, लेकिन इन भाई को देखिए, मास्क लगाना शायद भूल गए हैं, लगा कर रखें तो अच्छा है। दिल्ली बाजार से गोविंद चौक और सिंधी कॉलोनी की तरफ जाने वाला यह रास्ता है। यह नगर की नई सड़क है। इन दृश्यों को देखकर डरिए मत, इन सबको ये पता है कि कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ जगह पर सावधानियां रखी जा रही हैं, लेकिन नगर के कई स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग से लगाकर मास्क आदि की भी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हैं। विशेषकर नई सड़क के हालात देखकर तो पुलिस उपाधीक्षक रोशन पटेल को मैदान में उतरना पड़ा और लोगों से अपील करनी पड़ी कि आप नियमों का पालन कीजिए। लेकिन शायद लोगों को लगता है ये कोरोना वोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। खैर, पुलिस उपाधीक्षक अपना काम कर रहे हैं, सुनिए। जिम्मेदार अपन ये लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी, ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी उठाएंगे, जनता है। अरे आपको यही कहना है कि जो सब्जी और फल वाले, इनको जहाँ की परमिशन दी गई है वहाँ जाए। ठीक है, ठीक है, कोई डिले नहीं होनी। आप इनको सिंपली कह दो कि भाई तेरी जहाँ है वहाँ जाए। आधी भीड़ जो ये हो रही है इनकी वजह से, अभी करवा देते हैं, ठीक है ना। आप सिंपली कराओ। इसके साथ में ये भी देख लेना कि अपन लोगों ने जिनको परमिशन दी है इसके अलावा कोई शॉप खुली हुई तो नहीं है। वही वही सर, ये सारी शॉप बंद ही करवा रहे हैं अभी, ठीक है ना। परमिशन के अलावा अगर कोई खुली हुई है तो बंद करवा दो। ठीक है सर, कोई नहीं सर, 12 दिन की बात हो रही यार। इंसान की जान से बड़ी कोई बात नहीं है। इतने दिन भी पूरा देश यार लॉकडाउन है, तो फिर क्या क्या फर्क पड़ जाएगा। अभी करवा देते हैं, समझ रहे हो। उस बात अभी हमारे यहाँ पर लॉकडाउन खुला नहीं है। सारे देश में 17 मई तक लॉकडाउन है, फिर भी हमने आपकी सुविधाओं को देखते हुए कुछ दुकानें और खोली गई है। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, यदि अति आवश्यक हो तभी आप अपने घर से निकलें और अपने आवश्यकता की वस्तु लेकर पुनः घर में लौटें। जिस तरह की लापरवाही मार्केट में आज देखी गई, उससे लग रहा है कि आप लोग जागरूक नहीं हैं। कोरोना के प्रति जिस तरह की जागरूकता होनी चाहिए वो आप में नहीं देखी गई है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अपने परिवार व अपने बच्चों के खातिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। अति आवश्यक होने पर ही आप अपने घर से बाहर निकलें, और जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह को मास्क, साड़ी, रुमाल, दुपट्टा या गमछा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उससे अपना मुंह ढक के बाहर निकलें। और एक सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 2 से 3 मीटर की दूरी का फासला रखें। ये आपके लिए, हमारे लिए और हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इतने दिन आपने धैर्य और संयम के साथ अपने घरों में बिताए, कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन और आप धैर्य और संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से प्रवासियों का आवागमन हो रहा है पूरे देश में, उसे देखते हुए यह लगता नहीं है कि कोरोना कहां से कब आएगा, तो फिर लापरवाही करने का क्या अर्थ है। सरकारों ने थोड़ी छूट दी है, आवश्यक कार्य निपटाएं, घर पर जाएं, सुरक्षित रहें। यह भी देखने में आया है कि सरकार ने जिन लोगों को स्वीकृति नहीं दी है उन्होंने भी दुकानें खोल ली हैं, तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। यह अहिल्याकुंड के दृश्य हैं। अहिल्याकुंड मित्र मंडल आप जानते ही हैं, लगातार सेवा कर रहा है लोगों की। अभी तक हजारों लोगों को खाने के तैयार पैकेट वितरित कर चुका है। लाल बाजार दृश्य आप देख लीजिए।
क्या आपको यह नियम याद है कि मोटरसाइकिल पर एक ही जना बैठकर जा सकता है? वैसे यह बता दें कि नियम केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए हैं। खैर और भी पहलू हैं। देखिए मुरलीधर जी कनेरिया हैं, आप सभी जानते हैं, प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, समाज सेवा के अनेक प्रकल्पों से भी जुड़े हैं, पुलिस कर्मियों का स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अहिल्या कुंड से लाल बाजार की रोड का यह दृश्य है। अब इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन होगा? याद केवल इतना रखना है, अपनी जान है तो जहान भी है, वरना कोरोना तो कोरोना है भाई साहब, किसी को पहचानता नहीं है, जात पात पैसा गरीबी अमीरी और कहाँ से आएगा ये भी पता नहीं है। अभी तक बॉम्बे से आया है, अहमदाबाद वाले रास्ते भी खुले हुए हैं, अपने कई लोग रहते हैं वहाँ पे। पिछले एक डेढ़ महीनों से काफ़ी हमने कठिन तपस्या की है, उस पर पानी न फिरे। और पानी से ही याद आया, ये कुमारवाड़ा की दुकानें खुली हुई हैं जहाँ से आप मिट्टी की मटकियाँ खरीद सकते हैं, प्राकृतिक ठंडा पानी। गर्मी भी बढ़ चुकी है, फ्रिज का पानी पीने से अच्छा है मटकी का ताज़ा पानी पिया जाए, ये इसकी ठंडक नुकसान नहीं करती है। रोजगार पर किस स्तर तक असर पड़ा है यह दृश्य उसके लिए काफ़ी है। ये तांगे हैं, खड़े हुए हैं, घोड़े कहीं हैं, मालिक कहीं हैं, कब तक खड़ा रहना यह भी पता नहीं है। केवल मध्यम वर्ग ही नहीं, निचले तबके में भी कई लोग हैं जो परेशान हैं। और बेरोजगारी के कारण क्या दशा होती है देख लीजिए। यह मुख्य निष्पादन अधिकारी के कार्यालय के बाहर कुमारवाड़ा के दृश्य हैं। यहाँ स्थित स्टेट बैंक से ये लोग विभिन्न सहायताओं के तहत आए हुए धन को अपने खाते में से निकालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन यह सरकारी व्यवस्था के पीड़ितों की कतार है। दिव्य शंखनाथ के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य की एक रिपोर्ट। देखते रहिए दिव्य शंखनाथ। आपको भी कुछ प्रसारित करवाना है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।